भाई पे इन पे भरोसा करो, मेरे को मेरे से प्यार नहीं है आपको यार। प्यार की बात है, प्यार नहीं होता तो मैं कॉल क्यों करती, आप ही बताओ ना। तो आपको मेरे पे ट्रस्ट? आपने किसी से बात नहीं की अभी तक इनके घर पे? नहीं मैंने बात नहीं करी, इन्होंने बताया है कि घर में बताया है घर पे। तो अरे तू एक छोटी सी कॉल करो ना, आई विल गिव यू मनी एज वेल। यार यार मनी मनी का ऐसा नंबर दो ना, मैं कॉल कर देती हूं। नहीं करा सकता यार बात। यार ये क्या बात होती है। हाय भाई। हाय भाई। हाय माय नेम इज यश। आपका नाम? आशु। आशु हाय। आपका नाम? वंशिका। अच्छा एक बात बताओ, यू गाइस आर कपल और नॉर्मली फ्रेंड? वी आर कपल। कपल मैं यहाँ बैठ चूँ क्या? ओके यार अकेलापन महसूस हो रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड आई नहीं ना तो मैंने किसी के पास चल के बैठता हूँ, खुद दुखी हूँ तो औरों को भी दुखी कर देता हूँ। ऐसे क्या दुख देने वाले? नहीं दुख नहीं देने वाला, बस ऐसे ही। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रिलेशन में कब से हो? दो साल से। ओह नाइस यार, मेरी वाली तो 2 महीने भी नहीं रही 2 महीने में उसके 2 बॉयफ्रेंड के बारे में पता लग गया था यार मेरे को। अब मैंने तीसरी बंदी बनाई है अपनी, वो अभी तक आई नहीं है। किस्मत खराब होती है कुछ लोगों की, ध्यान देना वो भी कहीं और ना जाए शायद कहीं और से होके आ रही हो कुछ कह नहीं सकते ना। वेल यार एक चीज़ है इसके, ये तो मजाक था, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ एक गेम खेलूँ और अगर आप वो उसमें एक टास्क दूंगा, अगर आप उस टास्क को कंप्लीट करते हो ना तो आई विल गिव यू गुड अमाउंट हेयर ओनली। इस तरह का गेम मतलब? आप क्या करते हो, जॉब करते हो? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा और आप? स्टडी। स्टडी करते हो। अच्छा तो मैं आपको दूंगा 25,000 रुपीज़। ओके यहाँ पे बैठे बैठे ही और एक छोटा सा बस टास्क करना है, मैं आपको दूंगा डेयर, वो आपको कंप्लीट करना है। किस तरह का डियर? कोई वैसा तो नहीं, सिंपल सही है, बहुत सिंपल है, कुछ बलगर नहीं है, कुछ गंदा नहीं है। रेडी हो आप लोग? यस सर। यस सर। तो जैसे कि आपने बताया आप लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हो। ओके और वेयर आर यू फ्रॉम? पंजाबी बाग। ओके ओके पंजाबी बाग। तो फैमिली के साथ रहते हो या कैसे? मैं चाची जी के साथ रहती हूँ। ओके मदर वो विलेज में रहते हैं। ओके और फादर ने 2 ईयर्स बैक एक्सपायर। ओके ओके आई एम रियली सॉरी। तो जैसे कि आप यहाँ पे आए हो, क्या ये बात आपके घर पे पता है कि आप इनके साथ में रिलेशनशिप में हो ऐसा कुछ? हाँ ये बात मेरे घर पे पता है। किसको पता है? ये मेरे चाचा जी को पता है। अच्छा बता देते हो? हाँ मैं उन्हें बता के ही आई हूँ कि मैं इनके पास जा रही हूँ। हाँ फिर तो टास्क और ज़्यादा सिंपल हो गया। क्या टास्क होगा वैसे? कुछ नहीं बस एक छोटी सी फ़ोन कॉल करनी है अपने घर पे। ओके और चाचा जी से बात करनी है, बस ज़्यादा मत बोलना कि ये बोल देना उनसे चाचा जी मैं ना, क्या नाम था आपका? मेरा नाम आशु। आशु कि मैं आशु के साथ हूँ तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी लेट हो जाएगी, मैं 6-7 बजे तक आ जाऊँगी। ठीक है ना, 7 भी बज सकते हैं इसलिए। ओके बस इतना बोल देना है ना, बस ये एक बार एक छोटी सी कॉल कर ले, वो लाउड स्पीकर रखना। ठीक है डन। ओके और आगे कर लो। हेलो। हेलो हाँ विशाखा बेटा। चाचा जी मैं ना आशु के पास आई थी मिलने के लिए आशु से, तो मेरे को ना लेट हो जाएगा घर पे थोड़ा, मतलब 7 बज सकते हैं। तो कहाँ पर हो अभी? अभी मैं यहाँ पे मिलने आई थी, इधर एक पार्क है उधर मिलने आई थी। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो आशु से बोल देना कि वो घर पर लेट ड्रॉप कर दे। ठीक है ठीक है ठीक है चाचा जी मैं बोल दूँ। ठीक है बेटा ध्यान से। ओके नाइस यार। अच्छा आपका आना जाना भी है क्या इनके घर पे? हाँ ये मुझे ड्रॉप कर दे। ड्रॉप करता हूँ लेके आया। नाइस यार। अच्छा ठीक है आप मुझे अपना नंबर बताओ, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। अरे इतनी सी बात के लिए कौन पेटीएम करता है, ये तो मैं सिर्फ इनसे प्यार करती थी इसलिए मैंने कर दिया। तो यार आप टास्क जीत गए ना, यही तो मेरा टास्क था। यार ये क्या टास्क होता है, ये तो मेरा मतलब प्यार था इनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए पैसे इतनी सी चीज़ के। यार आज के टाइम में भी आपकी ऐसी लड़कियाँ हैं, मैं दे रहा हूँ ना 25,000, आप मुझे नंबर दो। चाहिए मेरे को बस मैं खुश हूँ। ओह नाइस यार यू आर सो ऑसम, ऐसी बंदी मुझे क्यों नहीं मिली। चलो एनीवेज गुड यार कांग्रेस, आप टास्क जीत गए। थैंक यू। भाई आप बहुत लक्की हो यार, आपको ऐसी बंदी मिली है। अच्छा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अब इनके लिए है ना यार एक। अच्छा आप तो जीत गए ना। अच्छा ठीक है एक चीज़ बताओ भाई, तो जैसे कि आपके घर में ये चीज़ पता है कि आप इनसे मिलने आए हो? हाँ। अच्छा नहीं आपके घर में भी सबको पता है? हाँ सबको पता यार है। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे कपल।
अच्छा पता है सब। अच्छा ये इन्होंने बताया आपको? हाँ, इन्होंने बताया था कि इनके घर में पता है सब। ओह नाइस। तो एक काम करो, आपके घर में क्लोज कौन है? मेरे पहले घर में किसको बताया था आपने? मम्मी को, पापा को? पापा से तो लोग नहीं बताते मुझे लगता है एकदम से। पहले भाई को बताया था, देन मैंने फिर अपने मदर को बताया था। अच्छा अच्छा, पापा को भी नहीं पता? पापा को पता है, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ, उन्हें पता है। अच्छा अच्छा, सही है सही, हो जाता है यार। पाप और बेटे में थोड़ा सा ना वो चीज़ें सीक्रेट रहती है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, आप अपने घर में ना एक छोटी सी कॉल करो मम्मी को कि बताओ कि मैं आया हुआ विशाखा के पास। एक्चुअली अभी तो मम्मी घर पे होंगी नहीं, तो मैं कॉल। अरे तो क्या हुआ, बस आपको फ़ोन करके बात ही तो करनी है ना दो मिनट के लिए। नहीं यार, ऐसा टास्क थोड़े ना होता है यार, मैं बता दूंगा आपको। क्या बता दोगे? मैं कह रहा हूँ आप एक छोटी सी कॉल करो उन्हें, जैसे इन्होंने भी करी है ना। सिर्फ दो मिनट तो लगे कॉल करने में, दो मिनट भी नहीं लगे। छोटी सी थी बस, इतना ही बोलना है कि मम्मी मैं विशाखा के साथ हूँ, तो हो सकता है मैं उसको छोड़ के आऊँगा और मुझे देर हो जाएगी, तो मैं बता दूंगा यार। लेकिन आप मेरे को सासू माँ का नंबर, मैं फोन करती हूँ। अच्छा, आपने बात करी कभी? नहीं मैंने बात नहीं करी। कोई नहीं, मैं कर दूंगी सरप्राइज कॉल। हाँ यार, सरप्राइज कॉल हो जाएगी। नहीं ना, मैं एकदम से अभी बता नहीं सकता, मतलब मम्मी को पता है लेकिन मम्मी की अभी तक खराब है, तो मैं अभी। तो ये तो खुशी की बात है ना, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ना मैं उनको अभी, मतलब। यही तो बोलना है ना कि मैं विशाखा के साथ हूँ, और क्या, कि मैं इवनिंग में उसको छोड़ते हुए आऊंगा और बस। यार अभी मैं बता नहीं सकता यार, मुझे लग रहा था कि वो नखरे करेंगे, आप कर रहे हो यार, ये तो गलत बात है। नहीं मैं बता दूंगा यार, ये ऐसा कोई टास्क थोड़ी ना होता यार, तुम मेरे रिलेशन में बता करवा रहे हो आप। मैं कहाँ करवा रहा हूँ, आप एक कॉल करो ना उन्हें। अच्छा ठीक है, भाई को कॉल करना जरा अपने। भाई यार जॉब पे होंगे यार। अरे यार सिस्टर, यू हैव नो सिस्टर? नहीं है, भाई है मेरे, बाकी मैं हूँ मेरे फादर। तो मम्मी को कॉल कर लो ना एक, थोड़ी नमस्ते कर लेंगे। मम्मी को अभी बात नहीं करा सकता ना, मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, मम्मी की तबीयत खराब है। चलो तबीयत पूछने के बहाने वो कॉल कर लेंगे ना कि हाँ कैसे हो क्या हो, फिर वो पूछेंगे कि मैं। ये कोई बात नहीं होती है भाई। यार ऐसे रिलेशन क्यों करवा रहे हो आप? मैंने क्या कराया, मैं तो नॉर्मल बात ही करवा रहा हूँ आपसे। यार तुम नहीं करके भाई पे, इन पे भरोसा करो, मेरे को, मेरे से प्यार नहीं है आपको? यार प्यार की बात है, प्यार नहीं होता तो मैं कॉल क्यों करती, आप ही बताओ ना। तो आपको मेरे पे ट्रस्ट? आपने किसी से बात नहीं की अभी तक इनके घर पे? नहीं मैंने बात नहीं करी, इन्होंने बताया है कि घर में बताया है घर पे। अरे तू एक छोटी सी कॉल करो ना, आई विल गिव यू मनी एज वेल। यार यार मनी मनी का ऐसा, मेरे को नंबर दो ना, मैं कॉल करती हूं। नहीं करा सकता यार बात। यार ये क्या बात होती है, कोई बात थोड़ी ना। अभी मम्मी के साथ मैं बात मानो यार, मैं अभी नहीं बात करा सकता आपकी मम्मी से, क्यों खराब है अभी, मैं बात नहीं ऐसे नहीं चेक कर रहा यार। ये तो कोई बात नहीं होती ना, आप उनको नंबर दे दो, चलो वो बाद में कॉल कर लेंगे। मैं टाइम आने पे बता दूंगा यार उनको। ये टाइम आने पे क्या, जब तुम अभी काम करो। चलो ठीक है, आप कॉल नहीं कर रहे ना, आप मम्मी का नंबर दे दो उन्हें। नहीं मैं अभी ऐसे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करूँ। अच्छा आपके पास है इनके चाचा का नंबर? है इनके पास? हाँ इनके पास है। अच्छा तो आप मम्मी का नंबर दे दो उनको। मैं अभी मैं दे दूंगा आप इनको, मैं बात करा दूंगा, बाद में बात करा दूंगा। अभी बात नहीं कर सकता, बाद में कॉल कर लेंगे। आप नंबर दे दो ना मम्मी का, मैं बाद में दे दूंगा ना आपको यार। बेबी यार ये बात नहीं होती ना, आप किसी और के सामने प्रूफ कर रहे हो यार, क्या बात ही नहीं करा सकते, जबकि आपने मुझे बोला था। प्रूफ मैं तुम्हें करूंगा ना, दूसरे को थोड़ी ना करना। तो आपने मुझे कहा ना, तुम मुझे यार उनके लिए, देखो जैसे मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ ऐसे उनके लिए भी अनजान था, तो उन्होंने तो एक कॉल कर दी ना, तो आप भी कर दो एक छोटी सी कॉल। मैं करता हूँ यार इसे प्यार, और ये मेरे से करते, मेरे को हम दोनों से मतलब, मैं टाइम आने पे बता दूंगा उनको। हाँ बिल्कुल, शी इज एब्सोल्युटली राइट यार। क्या हो गया इसमें? एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा अभी टाइम नहीं, टाइम चाहिए मेरे को उनको बताने के लिए, बट मैं अभी। तो तुम इनसे झूठ बोल रहे थे? कल ही कहा मैं रेडी हूँ, मैं घर पे बता चुका हूँ ये वो, और आप कह रहे हो कि अभी टाइम चाहिए। यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है, सही टाइम ढूंढ रहा था मैं अपने मम्मी को, घर में बात नहीं होती। मैंने भी तो अपने घर में बताया ना, लड़की होके मैंने बताया, आप लड़के होके नहीं बताया। आप नंबर दे दो मम्मी का, वो उनको खुद बाद में कॉल कर लेंगे। मैं बता दूंगा यार, मेरे को ऐसा नहीं करनी है, आपने मेरे रिलेशन में ऐसे करवा रहे हो यार। मैं कहाँ करवा रहा हूँ बड़े भाई, 2 साल हो गए हैं, वो 2 साल बता रहे हो आप, उनके घर में पता है, लेकिन मैं टाइम आने पर खुद बता दूंगा उनको घर में। यार आप गलत कर रहे हो, पता है यार मेरे को ऐसे नहीं करना है, जा कर रहे हो आप, बात हो रही है यार। मैं बता दूं यार, मेरे को ऐसे आप लड़ाई करवा रहे हो। मैं लड़ाई का करवा रहा हूं भाई, मैं लड़ाई कहाँ करा रहा हूँ यार, को नहीं करना ऐसे वैसे टास्क का। ये टास्क थोड़ी ना कोई खराब क्या था, मैं नंबर दे दो ना आप उन्हें। मैं कह रहा हूँ मैं दे दूंगा यार, लास्ट में नंबर दे दूंगा, नंबर दे दो ना उन्हें। मैं अभी नहीं करा सकता यार, मेरी तबीयत खराब है यार। कोई बात नहीं, वो बाद में कॉल कर लेंगे एक हफ्ते बाद। नहीं मैं आपको, आपको करना है तो मेरे साथ करिए रिलेशन, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। ये इतनी सी बात पे आप रिलेशन खराब कर रहे हो?
आए अचानक। अब बैठ तो जाओ यार, मैं हम गलत क्या कह रहे हैं, सुन तो लो। यार ये तुम्हारे लिए आई थी ना, ये तुम्हारे लिए तो आई थी। एक मिनट इधर आ जाओ ना यार, तुम्हारे लिए आई थी ना यार, ये मेरे लिए आई थी यार, मैं मिलने है ना, तुम्हारे लिए आई है ना, उसके घर में पता है ना, तो तुम्हारे घर में पता होना चाहिए ना यार। यार मैं एक टाइम देख रहा था, मतलब यार दो साल में और कितना टाइम देखोगे यार। आप प्यार करते हो ना इनसे? प्यार तो करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ। तो भाई आप एक नंबर दे दो इनको, मैं करा दूँ, मैं खुद में इनको इनके घर पे लेके आऊंगा यार। तो फिर आप इनसे झूठ किया बैठो, एक मिनट भाई, तू झूठ क्यों बोल रहे हो यार? तो दो साल से फिर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा था यार, मतलब मैं टाइम देख रहा था। इसका एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर क्या तुम सच में इनसे प्यार करते हो, ईमानदारी से सच में करते हो, तो आप इन्हें अपना नंबर दे दो ना मम्मी का, सिर्फ इतना कर दो, और वो पक्का एक हफ्ते बाद कॉल करेंगी। नहीं यार मैं अभी नहीं, पक्का प्रॉमिस, वो मैं कह रहा हूँ कि वो करेंगी नहीं, और बताओ। और आप 25,000 रुपीज़ भी ले लेना। नहीं मेरे को 25,000 क्या इशू आ रहा है? एक हफ्ते बाद कॉल करेंगी, वो तुम्हारे सामने कॉल करेंगी सही वक्त का। नहीं यार मैं अभी ऐसे अभी नहीं दे सकता मैं, हाँ शाम को हमको मैं बाद में दे दूँ। बाद में क्यों यार, मैं जब बाद में करवा दूँ, जो बात काम बाद में करना वो भी हो सकता है यार, किसी और के सामने आप प्रूफ कर दो ना प्यार करते हो। यार मैं नंबर दे दो, कोई बात नहीं, वो अपने आप बात कर लेंगे एक हफ्ते बाद। भरोसा नहीं है क्या यार? यार बात भरोसे की नहीं होती ना, बात मैंने भी कराई है, अगर मैं नहीं कराती यार ऐसे देखो, हो सकता है शायद ये आज जो हो रहा है ना यही एक सही वक्त है, am I right? इस है ना, हो सकता है यही एक सही वक्त है, और इसका फायदा उठाओ आप। यार फायदे की बात नहीं, सोच रहा हूँ कि आई एम अ वेल विशर, कि मैं आप लोगों की करा रहा हूँ घर में बातचीत एकदम। नहीं यार एक टाइम है, मैं टाइम जैसे ही मेरे को लगेगा, मेरे को सही मैं लगेगा। नहीं कह रहा कि आप उन्हें कॉल करो जी, आप नंबर दे दो, वो आप एक हफ्ते बाद कॉल कर लेंगे मम्मी से आपके। मैं कह तो रहा हूँ मैं नंबर दे दूँगा एक, मेरे को जब मेरे अच्छा को भाई का दे दो यार, भाई अभी कॉल नहीं उठाया भाई, जो बाद में कॉल कर लूँगा, बाद में कर लेंगे, नंबर दे दो बात कर लेंगे। मैं कह तो रहा हूँ मैं अभी नहीं दे सकता, बाद में दे दूँगा नंबर आप, मैं अभी जा रहा हूँ। क्या हो भाई आप लोग, प्रॉब्लम आप आए अचानक से मेरे रिलेशन में एकदम से, कहाँ करा रहा हूँ भाई, आप प्रॉब्लम से बच के जा रहे हो, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए? क्या यार आपने सीन क्रिएट करा है यार? मैंने कोई सीन क्रिएट किया है क्या यार? ये उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप ऐसा करोगे यार। देखो यार मैं आपको कॉल करके बताऊंगा, कॉल करने की क्या जरूरत है यार, जो सॉरी आप देखो एक बात बताऊं, He is not loyal for you. ये आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि देखो अगर वो लॉयल होता ना तो वो आपको नंबर तो दे ही देता। मैंने उसे बैठाया दोबारा, पूछा कि भाई आप सच में प्यार करते हो तो वो नंबर दे देता। नंबर इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई बात नहीं, क्या पता वो भी ना दे पाए तो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, अगर आप फिर भी मानना चाहती हो इस चीज़ को तो मान लो, बट फिर भी मैं ऐसा समझाऊंगा आपको कि वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। देखो दो साल से साथ है ऐसा तो मेरे को, बट नंबर देने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये बात आपकी भी ठीक है, नंबर देने में नहीं होनी चाहिए थी, बट कैसे हो सकता है ऐसा? मैं ऐसे बता देता हूँ ऐसा क्यों हो सकता है, बिकॉज माय नेम इज यश चौधरी और है ना मैं यूट्यूबर, मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, अभी भी ये सारी वीडियो बनी है, सी माई कैमरा इज़ ओवर देयर, तो एक ही रिकॉर्ड हुआ। आप खुद कमेंट्स में चेक कर लेना कि वो सही है या नहीं है, ये मेरी YouTube फैमिली आपको बता देगी कि वो सही है आपके लिए या नहीं है, और मैं सच बता रहा हूँ कि वो आपके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। नंबर देना अकॉर्डिंग टू मी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, जब आप उसे हर तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और वो कहीं भी नहीं कर रहा आपको कोऑपरेट, तो इट मीन्स कि कुछ तो गलत है, वो ऐसे छोड़ के नहीं जाता। मैं स्ट्रेंजर हूँ, ऐसे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता। आपकी बात सही है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। अब एक बात बताओ, आप विलेज में आपकी मम्मी है, आप यहाँ किस लिए आए हो? जॉब, स्टडी, करियर? स्टडी के लिए। अब वही चीज़ करो ना यार, ये दिल्ली है, यहाँ पे ऐसे धोखे आपको हर कदम कदम पे मिलेंगे। थैंक यू सजेस्ट करने के। मैं बस आपको एज अ फ्रेंड सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो आप तो थोड़ा अपसेट मन में हो रहे होंगे, उनने ऐसा किया कि वो चला गया छोड़ के, बट यहाँ पे लिटरली बहुत सारी गर्ल्स ऑन द स्पॉट रोती हुई देखी है मैंने। आप देखना एक बार मेरे चैनल पे विजिट करना, आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी, और आप जो पब्लिक आपको सजेशन देगी उसको एक बार सोचना, बाकी फैसला आपका है। एक सजेशन मैं भी देना चाहूँगा, आप जब तक उससे बात मत करना जब तक वो आपके घर में किसी से बात ना कराए, ठीक है? है ना, तभी जब वो बात कराए तभी रिलेशन में आगे बढ़ने की सोचना, नहीं तो यहाँ पे रिलेशन मतलब एक ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे ना लड़के ज़्यादा टीच करते हैं दिल्ली में। मैंने तो सुना था, आज हो भी गया मेरे साथ। हाँ तो इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, अपने ऊपर ध्यान दो, ये जो टाइम है ना अपने ऊपर लगाओ, आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा रिटर्न। सबसे अच्छा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है आपका, तो इससे वेस्ट मत करो।
हो सकता है आपकी मम्मी के सपने होंगे कि हमने दिल्ली भेजा है, बहुत सारे सपने हैं, तो उन्हें पूरा करने के लिए ना आपको क्या करना होगा, अपने आप पे फोकस, अब फोकस ऑन योर स्टडी यार, खराब मत करो ऐसे। बाकी गाइज होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या सीन था और क्या नहीं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और इन ताकि इनकी जो अकल है ना और उस पर पट्टी बंधी हुई है वो खुल जाए। एंड होप यू डोंट माइंड कैन आई अपलोड, क्योंकि आपके घर में तो पता ही है ना, तो ये चीज़ उसको भी पता चलनी चाहिए। या श्योर, ज़रूर पता चलनी चाहिए और ऐसे सभी लड़कों को पता चलनी चाहिए। कोई नहीं, तो होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल नहीं जाना है। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों। अब आप क्या करना, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक जब वो अलग से कोई मैसेज वगैरह करे तो यही सीन रखना कि मुझे बात करनी है मम्मी से, तभी मैं वो करूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, यू कैन टेक माई नंबर, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, अगर लाइक कुछ करना हो तो वीडियो डिलीट वगैरह भी, तो आई विल डू दैट। ओके ओके, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ओके थैंक यू। इज दिस योर, प्यास भी लग रही है यार। अब आप जाइए आराम से अपनी बॉटल लेके। ओके नहीं आपको पीनी है तो आप नहीं नहीं आप ले जाइए, इट्स ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर यार। अरे बैग रह गया था मेरा, बैग रह गया था भाई, पूछ तो लो वो यार, आपने लड़ाई करा दी हमारी, अब पूछ तो लो वो कहाँ है मुझसे, मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। अजीब बात है यार। तो अब क्या बोलूँ मैं, सब कुछ आप लोगों के ऊपर है, संभालो यार, समझाओ उसको। कोई नहीं, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये वीडियो उसके घर पे ही पहुँचे और मम्मी जी तक भी पहुँचे कि उनका बेटा आखिर क्या कर रहा है। सो लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।